Hello, children. Hope you all doing good. Let's start today's chapter: Reproduction in Plants. Introduction. So far, we have studied the different life processes such as digestion, respiration, circulation of materials, and transportation of materials. These are necessary for the survival of living organisms. The lifespan of a living organism is cyclic. For example, a person is born, reaches childhood, adulthood, grows old, and finally dies. The number of individuals of a population is reduced due to predation, disease, accident, etc. Then how is the population of a living organism maintained on earth? The reduced number is restored by the addition of new individuals through reproduction. The reproductive system is not needed for an organism that cannot produce offspring. Such organism will soon perish and die. The so, you kyakum know, digestion, respiration, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स पड़ा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है है ना अब जो लाइफ साइकिल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अब साइकिल होता है जैसे कि पर्सन का जन्म होता है फिर वो चाइल्ड हुड में मचता है देन एडल्ट वर्ड देन ग्रोज ओल्ड एंड फाइनली डाइज तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के किसी भी पॉपुलेशन के वो रिड्यूस हो जाते हैं कभी कोई एक्सीडेंट है कोई डिसीज़ है इनकी वजह से तो फिर ये जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैसे मेंटेन रहती है तो ये रहती है थ्रू रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच अ स्पीशीज इज प्रोड्यूज इज कॉल रिप्रोडक्शन दिस प्रोसेस विरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स टू अनादो द मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो मच डाइवर्सिटी ऑफ स्प्रिंग मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल और बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ टू इंडिविजुअल दिस रिप्रोडक्शन एनेबल्स लाइफ टू कंटिन्यू एज एन अनब्रोकन चेन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन देखिए ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज प्रोड्यूस आपकी होती हैं दैट इज कॉल रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस आपका जो है ये वेरी करता है आपके ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड जो ऑफ स्प्रिंग यानी जो बेबीज आपके प्रोड्यूस होते हैं कभी आपके सिंगल इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन से होते हैं कई बार दो इंडिविजुअल्स के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ए सेक्शुअल सेक्शुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन Asexual reproduction the production of a new organism by a single parent is called asexual reproduction asexual reproduction is common in unicellular organisms but is also observed in multicellular organisms like plants and animals when there is a plenty of food available and conditions are suitable for growth this type of reproduction takes place fission budding spore formation regeneration fragmentation देखिए जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है किसी सिंगल पेरेंट्स से तो उसे कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये आपका ऑर्गेनिज्म है बहुत ही कॉमन है बट ये मल्टी सेले ऑर्गेजम में भी देखा जाता है राइट right? तो ये देखिए सारे ही मैथड्स जो आपके हैं ये सारे ही आपके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मैथड्स हैं फिशन एज अ सिंपलेस्ट मोड ऑफ ए सेक्शुअल अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इट्स सेल्फ इन टू टू ईच एज हाव एंड ग्रोज इन अ न्यू इंडिविजुअल फिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा बैक्टीरिया पैरामीशियम एंड फंगा ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ ई सेक्शन रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो दो हाफ्स में आपका स्प्लिट हो जाता है फिर जो हर हाफ है वो आपका एक न्यू इंडिविजुअल में आपका ग्रो करता है बट इन यीस्ट अ यूनि ऑर्गेनिज्म अ लिटिल साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट्स एट वन ऑफ द सेल द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड वन इज सेंट इनटू द बड बड फॉर्मेशन टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन यीस्ट सेल्स टू फॉर्म अ चेन ऑफ यीस्ट सेल्स अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑल दीज चेंड्स डोंट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजअल सोफ कॉल फॉर्म ये भी आपका एक यूनिस वाले लो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक छोटा सा साइटोप्लाज एक्यूमलेट हो जाता है एट वन ऑफ द सेल तो जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का वो डिवाइड हो जाता है टू में फिर एक जो है वो दैट एज सेंट इन टू द बर्ड बर्ड फॉर्मेशन बहुत ही रैपिडली होती है इस सेल्स में जैसे कि चेन बन जाती है इस सेल्स की अंडर सुटेबल कंडीशन और ये जितनी भी चेंज होती हैं बर्ड्स की ये आपके डिटैच नहीं होती पेरेंट इंडिविजुअल से तो एक कॉलोनी फॉर्म हो जाती है इनकी एक्टिविटी 9.1 पॉइंट वन टू ऑब्जर्व बर्डिंग एंड ईस्ट टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर एट अ स्पून फुल ऑफ ग्लूकोज टू इट मिक्स वेल नाउ टेक टेन ग्राम ऑफ ईस्ट पाउडर एंड पुट इट इन द ग्लूकोज सोलूशन शेक वेल एंड लीव द बीकर अन इन अ वॉर्म प्लेस फॉर टू टू थ्री आवर्स टेक अ

ड्रॉप लेना है अपने सस्पेंशन का ग्लास स्लाइड में उसको कवर स्लिप में रखना है एंड एन स्लाइड को माइक्रोस्कोप के आप अंडर जब देखेंगे तो आपको जो प्रोसेस है बर्डिंग का वो नजर आएगा स्पोर फॉर्मेशन उन कंडीशन आर अनफेवरेबल मेनी फंकी मशरूम्स, स्पोन्स मोजिस एंड टाइनी यूरी सेल्यूर बॉडी प्रोटेक्टेड बाय हार वॉल Spores are microscopic structures. The spores help in overcoming unfavorable conditions for reproduction, like lack of food in extreme temperature conditions, by forming spores. द रेजिस्टेंस स्पोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गैनिज्म एग्जाम्पल द ब्रेड मोल्ड फ्लोट इन द एयर एंड सेटल ऑन अनकवर्ड ब्रेड और एनी अदर सूटेबल फूड जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो बहुत सारे आपके फंगी वन मॉसेज है कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू तो रिपोर्ड्यूस करते हैं स्पोर आपका एक टाइनीज फेरिकल यूनिसला बॉडी है जो कि एक थिक और हार्ड वॉल से प्रोटेक्टेड होता है स्पोर्स आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं एंड जो स्पोर्स हैं ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन से ओवरकम करने में हेल्प करते हैं जैसे कि कभी फूड की कमी है या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन हैं तो स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं तो जो रेजिस्टेंस पोर्स होते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म में जैसे कि जो ब्रेड मोल्ड है ये एयर में फ्लोट करता है एंड फिर अनकवर्ड ब्रेड पे सेटल हो जाता है ये किसी भी सूटेबल फूड पे रीजनरेशन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिपेयर एंड रीग्रो देयर लॉस्ट पार्ट्स ऑफ बॉडीज प्लांट्स एंड सम लाइक रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने लॉस्ट पार्ट जो उनकी बॉडी को लॉस्ट पार्ट होता है उसको रिपेयर या फिर रीग्रो कर लेते हैं जैसे कि हाइड्रा या फ्लैटफाम जो है वो अपनी लॉस बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन देर आर सेवरल फिलमेंटस ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायर वगैरह फ्लैट फॉर्म दट इंक्रीज देयर नंबर बाय फ्रेगमेंटिंग देयर फिल्मेंट्स द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू टू मोर फ्रेगमेंट्स आफ्टर मेचोरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपके ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में आपके जैसे वो मेच्योर होता है तो फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेक हो जाता है फिर जो हर फ्रेगमेंट है वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करना स्टार्ट करता है जैसे कि आपके स्पायरोग है या फ्लेटफॉर्म है तो ये ऐसे ही करते हैं आप राइट वेजिटेटिव प्रोपगेशन लाइक स्पोर्स बिग प्लांट्स कैन ऑल्सो सर्वाइव अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन अंडर सच कंडीशन द एरियल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यूजअली डाई बट द अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक रूट और स्टेम रिमेन डोमिनट और इनएक्टिव when conditions are favorable again these dormant parts grow again to produce a new plant similar is a case with colocasia sweet potato potato etc which do not produce any seeds man has encashed this property of such plants to maximum advantages Thus, when new plants are produced from parts of the parent plant such as root stems or leaves without the help of any reproductive organ it is called vegetative

राइट right? तो ऐसे ही केस होता है आपका जैसे स्वीट पोटेटो या पोटेटो की बात करें वो कोई भी आपका सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो जब न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है पेरेंट प्लांट के पार्ट से जैसे कि रूट है या स्टेम है या लीव्स तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगशन एंड डिफरेंट मैथड्स को यूज किया जाता है हॉर्टिकल्चर में जैसे कि फ्रूट ईल्डिंग या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए लाइक कटिंग स्टेम की कटिंग की जाती है जैसे शुगर कीन में लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग होती है मैंगोज या फिर रोजेस में नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगशन बाय स्टेम सम प्लांट सेंड आउट अ साइड ब्रांच फ्रॉम मेन प्लांट एंड रूट ग्रोज डाउन एट टू दॉयल कुछ प्लांट ऐसे क्या करते हैं साइड ब्रांच को आपका सेंड करते हैं मेन प्लांट से और फिर एक रूट आपके डिवेलप हो जाती है ग्रो कर जाती है सॉइल में द स्टेम ग्रोज इन लेंथ एंड क्रीप्स अलॉन्ग द ग्राउंड एंड फॉर्म्स रूट एट इंटरवर्स इज फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट

Underground stems are capable of producing several new plants from their सेवरल and thus help the plant to multiply. द bulb, corm, rhizome are the different modifications of an underground stem. कुछ आपके जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही आपके रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली जैसे कि पोटेटो है आपका जिंजर है अनियन है तो अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती हैं दे आर केपेबल कि वो न्यू plants को सेवरल न्यू प्लांट्स को अपने बर्ड में से प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसको प्लांट को मल्टीप्लाई करने में वो हेल्प करते हैं ट्यूबो बल्ब कॉम राइजोम जो हैं ये आपके क्या हैं ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन हैं अंडरग्राउंड स्टेम के एक्टिविटी नाइन पॉइंट टू टू स्टडी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबो बल्ब कॉम एंड राइजोम। टेक अ पोटेटो अनियन ग्लैडियोलस कॉम एंड अ पीस ऑफ चिंजो प्लांट ऑल दीज इन फोर सेपरेट पॉर्ट्स कंटेनिंग वेल मेन्यूर्ड ऑयल देखिए आपको ये सारे आइटम्स लेने हैं और इनको चार सेपरेट पॉर्ट्स में आपने लगाना है वेल मेन्यूर्ड्स ऑयल में वाटर रेग्युलरली एंड प्लेस प्लांट इन वेल्डेड प्लेस ऑब्जर्व फॉर टू थ्री वीक्स यू विल सी स्मॉल न्यू प्लाट्स ग्रोइंग फ्रॉम पोटेटो आई स्केल लीज ऑफ अनियन बर्ड एंड जेंजर एंड ग्लाड्यूलस उसके बाद जब आप दो से तीन हफ्ते के बाद उसमें ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे आपके पोटैटो आई से स्केल लीज ऑफ अनियन से एंड बर्ड्स जिजर एंड ग्लैड्यूलस से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई रूट डेहली एंड स्वीट पटेटो हैव रूट दट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इफ

जो रूट ट्यूबर है स्वीट पटेटे का उसको कट कर दिया जाए पीसेस में और वेल प्रिपेयर्ड सॉयल में उसको सो किया जाए तो एक न्यू प्लांट उससे प्रोड्यूस होता है डेंडेलियन जो है ये जेनेटिंग री ये कर सकता है राइट right? अगर कोई भी इसका जो पार्ट है इसका जो रूट है अगर वो सॉइल में रह जाता तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है Vegetative propagation by leaves. In bryophyllum and begonia, new plants are produced from leaves which have birds on the notches in their margins. These birds, after falling on the ground or coming in contact with the soil, grow into new plants. Thus, a new plant with proper root and shoot system can grow from a bud. Bryophyllum and begonia mein ki hota ki, plants jo hota hai, inke produce hota hai leaves se. in my birds. के मार्जिन पे तो ये बर्ड जैसे ही आपके ग्राउंड में पड़ती हैं तो उनमें से फिर जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो एक नया प्लांट इसमें से ग्रो करता है तो इससे जो नया प्लांट है इसकी प्रॉपर रूट और शॉर्ट शूट सिस्टम जो है बर्ड से आपके ग्रो करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट फ्लॉरिंग प्लांट्स आर हर्माफ्रोडाइट्स दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेक्स सेल्स आर प्रजेंट इन द सेम फ्लावर ज्यादातर आपके जो फ्लॉरिंग प्लांट्स हैं ना हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं प्लस फ्लावर्स अदर रीप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्लाट्स फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स लाइक चाइना रोज कैराट्रॉपिस एंड बेनियन कंटेन बहुत मेल एंड फीमेल ग्यामेट्स तो देखिए इनमें आपके ये जो आपके प्लांट्स हैं इनमें आपके होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ग्यामेट्स होते हैं Plants use various methods to ensure fertilization and sexual reproduction. For example, moss grows in damp places because it needs water for the sperms to swim to the eggs to fertilize them. In spirogyra, reproduction occurs by the process of conjugation. Two filaments lie side by side and produce short tubes, the conjugation tubes, that grow and connect the opposite cells. The tubes move the contents from one cell to the other and the nuclei combine, forming a zygote. After you we talk about moss damp. प्लेस में ग्रो करता है क्योंकि इसको पानी की जरूरत होती है कि जो फॉर्म है वो स्विम कर सके एक्स तक और उनको फर्टिलाइज़ करे स्पायरो जो है वो कॉन्चुगेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते, है। है, करते हैं टू फिल्मेंट जो होते हैं आपके साइड बाय साइड लाइक करते हैं एंड इसमें से शॉर्ट ट्यूब्स प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं कॉन्चुगेशन ट्यूब जो ग्रो करती है फिर ऑपोजिट सेल को कनेक्ट करती है जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या करते हैं वो कॉन्टेंट को एक सेल से दूसरे में मूव करते हैं और इनका उनके न्यूक्लिया को कंबाइन करके जायगॉड बनाते हैं फ्लावर

सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड टू प्रोड्यूस सीड्स राइट कुछ आपके कॉमन फीचर्स होते हैं जो सभी आपके फ्लावर्स में होते हैं तो एक फ्लावर में आपके मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं और ऐसे फ्लावर को कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर दस अ कंप्लीट फ्लावर कंटेन्स सेप्पल्स बैटल्स एंड्रोजियम और स्टेमिन दैट प्रोड्यूस द मेल कैमेट एंड गाइनोजियम कापल और पिस्टल दैट प्रोड्यूस द फीमेल कैमेट

फॉर्म में होता है एंड पेटल्स आपकी बड़ी हैं जिसे हम पंखुड़ियां भी कहते हैं राइट ये आपकी काफी बड़ी होती हैं और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन स्टेमिन इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ टू पार्ट लाइक नॉट लाइक कंसिस्ट ऑफ पॉलिंग मेल जॉमेट आर प्रोड्यूस इन साइड द पोलिंग जो स्टेमिन है आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें दो पार्ट्स होते हैं लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक फिल्मेंट एंड अपर ब्रॉर्डर नॉट लाइक एंथो एंथोलॉब होता है इसमें आपके पोल सेग होते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं जो येलो कलर में होते हैं एंड मेल गैमेट्स आपके पोलन ग्रेन्स के इन साइड ही प्रोड्यूस होते हैं पिस्टिल इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एन कंसिस्ट ऑफ ए सोलन ओवर ही एट द बॉटम इन साइड द ओवर बैग कॉल एग द अनराइट सीज और एग्ज आर प्रेजेंट इन साइड दिस पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है

सेम स्पीशीज का सेम फ्लावर का पोलन डिपॉजिट हो जाते हैं स्टिग्मा पे जैसे किशन वन द पोलन ग्रेनफर्ड बिटवीन द फ्लार्स ऑफ species or very closely related species it is also कॉल्ड allogamy देखिए जब पोलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफर होते हैं फ्लावर्स और डिफरेंट प्लांट्स या तो वो सेम स्पीशीज़ के होते हैं या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं और इसे कहा जाता है एलोगी फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेल ग्यामेट फ्यूज विद फीमेल गैमिट्स फर्टिलाइजेशन वॉज द फॉलोइंग स्टेप्स आफ्टर पॉलीशन पोलिन ग्रीनस जोमिनेट ऑन द स्टिगमा एंड पोलिनट डिवेलप फर्टिलाइजेशन आपका प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो है फ्यूज हो जाते हैं तो पॉलीशन के बाद पोलन ग्रीन्स आपके जोमिनेट होते हैं स्टिगमा पे एंड पोलन ट्यूब जो है आपकी वो डिवेल्प होती है द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड्स इन टू द स्टाइल द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब मूवज इन टू ओव्यूल एंड फ्यूज विद फीमेल गैमिट इन साइड द ओव्यूल दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड साइगॉर्ड दू डप इन टू एन इम्प्रो पोलन ट्यूब है आपकी वो डाउनवर्ड ग्रो करती है स्टाइल में जो मेल गैमेट आपका प्रेजेंट होता, होता है पोलन ट्यूब में वो ओव्यूल में मूव करता है एंड फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ ओव्यूल के अंदर तो जो कंप्लीट प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन तो जो फ्यूजन प्रोडक्ट होते हैं दो सेल्स के उसे कहा जाता है जयगॉट एंड फिर जयगॉट जो है आपका वो एम्ब्रियो में आपका डिवेलप होता है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जयगॉट फॉलोइंग चेंजेस अकर इन अ फ्लावर ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर इज लॉस्ट

दो तरह के फ्रूट होते हैं आपके ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट ड्राई फ्रूट जैसे कि आपका सनफ्लावर है पी है या बीन है थिन और ड्राई फ्रूट वॉल्स होती हैं फ्रूट वॉल जो है सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सीड के डिस्पोजल में हेल्प करते हैं सीड में आपका एम्ब्रियो होता है रेस्टिंग स्टेज पे जो न्यू प्लांट में डिवेल होता है आफ्टर जोमिनेशन डिस्पोजल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स प्लांट्स कांट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स सो दे हैव नो मीन टू स्प्रेड देयर फ्रूट्स एंड सीड्स इन सच अचुएशन

देखिए उनके पास कोई भी मीन्स नहीं है कि अपने फ्रूट्स को या सीड्स को स्प्रेड वो कर सके तो ऐसे सिचुएशन में अगर सारे के फ्रूट आपके नीचे एक ही साथ गिरेंगे आपके सीड्स तो क्या होगा वहां पे ओवरक्राउडिंग हो जाएगी वो एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे राइट न्यूट्रिय को लेके स्पेस को लेके या सनलाइट को लेके तो इसीलिए इनका डिस्पोज होना बहुत जरूरी हो है फ्रूट्स एंड सीड्स आर कैरीड अवे बाई वाटर इंसेक्ट बर्ड एनिमल्स और बाय देर

सीड्स बियर हुक्स और स्पाइन विच हेल्प टू स्नैक द फर ऑफ एनिमल्स और आर क्लोज इन गेट के अवे इसी वजह से कुछ सीड्स के हुक्स या आपके स्पाइंस होते हैं जो एनिमल्स के फोर से चिपक जाते हैं हमारे क्लोथ के साथ चिपक जाते हैं और फिर वो अपने प्लेस से कहीं दूर गिर जाते हैं वॉटर Coconut, lotus, etc. are plants that grow on sea shores and lakes. These can float on water to travel a long distances before getting deposited at favorable places for germination. The thick fibrous coat of a coconut and its hollow structure enables it to float in water. जैसे coconut या lotus है, ये आपके sea shores में उगते हैं या lakes में उगते हैं, तो ये water में float करते हैं, okay? And ये काफी लंबे distance travel कर देते हैं, तो जहाँ पे इनको favorable place मिलता है, यहाँ पे वो germinate हो जाते हैं। Activity 9.3 Parts of a flower. Take a geranium flower and observe its sepals and petals. Remove each wall of sepals and petals and observe carefully with a magnifying glass. Once all petals are removed, cut open the flower lengthwise or longitudinally. Dust some pollen grains on a slide and mount it. Observe them under the microscope. Now, with a magnifying glass, observe the pistil part of the flower, see the ovules in the embryo sac. In geranium flower, you observe sepals and petals. तो आपके सेप्पल के जितने भी वर्ड्स हैं आप उन्हें रिमूव करेंगे पैटर्न्स को भी रिमूव करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली जब सारे पैटर्न्स जो आपके रिमूव हो जाएंगे तो फ्लावर को अपने लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूटली उसको कट करना है फिर कुछ पोलन ग्रेन्स को अपने डस्ट करना है स्लाइड पे एंड फिर आप माइक्रोस्कोप के अंडर उसे ऑब्जर्व करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आपने जो है पिस्टल जो आपका फ्लावर का पार्ट है उसको ऑब्जर्व करना है एंड आप सी द ओव्यूज इन द एम्ब्रियो एम्रिय डिफ्रेंस बिटवी ए सेक्शुअल रीपोडक्ट सेक्शुअल रिपोर्डक्शन की आपको टेबल दी गई है जिसमें आपको डिफरेंस दिया गया है दोनों के बीच में ए सेक्शुल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन्वाल्वज ओनली वन सेल ऑफ वन पेरेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन्वॉल्स टू सेल्स ऑफ गैमेट्स बिलोंगिंग टू इदर द सेम और डिफरेंट पेरेंट्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सेल या एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है जबकि सेक्शुअल रिपोर्डक्शन में आपके दो गैमेट्स या तो अ सेम या डिफरेंट पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं Asexual reproduction, the whole body of the parent may act as a reproductive unit or it can be in a single cell or a bud. Sexual reproduction, the reproductive unit is called a gamete, which is unicellular and haploid. Asexual reproduction, the offspring are genetically similar to parents. Sexual reproduction, the offspring differ from parents. Asexual reproduction, special sex organs are not formed. Sexual reproduction, special sex organs are formed. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट एज नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन हैंस इट इज ऑफ इवोल्यूनरी सिग्निफिकेंस अब देखिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो होल बॉडी होता है पेरेंट का वो आपका एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट कर सकता है जबकि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में उसे कहा जाता है कैमेट जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं इसका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है जबकि आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और क्योंकि ये वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता है तो इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है एक्टिविटी नाइन पॉइंट फोर टेक सम ब्लैक ग्रैम सीड्स एंड सोक दम ओवर नाइट पुट सम वेट एंड कॉटन एंड पेटर डिश एंड पुट ग्रैम सीड्स ओवर इट लीव द सीड्स ओवर नाइट एंड ऑब्जर्व द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल सी द सीड्स स्प्राउटिंग नोट द रेडिकल एंड प्लूमल पार्ट ऑफ द स्प्राउटेड सीड आपको ग्राम यानी जो ब्लैक आपके चने होते हैं उनके सीड्स देने ओवरनाइट उनको सोक करना है वेट कॉटन में अपने पेट्री डिश में रखना है फिर आपने ग्राम सीड्स को उसके ऊपर रख देना है सीड्स को ओवरनाइट रखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग आप ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि सीड में स्प्राउटिंग हो चुकी है फिर आप रेडिकल और जो प्लूमल पार्ट है उस स्प्राउटेड सीड का उसको नोट करेंगे points to remember the process by which a species is produced is called reproduction asexual reproduction involves only one parent fission budding spore formation regeneration and fragmentation are the various types of asexual reproduction roots stem leaves and buds are used in certain plants for their multiplication flower is a reproductive organ in flowering plants fertilization occurs after self or cross pollination after fertilization the ovules change into seeds and the ovary into the fruit विंड वाटर एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट आर द वेस्ट एजेंट ऑफ सी डिस्पोजल चिल्ड्रेन आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे